AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो कि दुनिया के बेहद घातक हेलीकॉप्टर्स में से एक माने जाते हैं, बहुत जल्द इन्हें भारतीय सेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना अगले साल फरवरी से अमेरिका निर्मित अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को शामिल करने के लिए तैयार है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी फरवरी 2024 में होने वाली है। डील के मुताबिक 6 पायलट्स और 24 टेक्नीशियंस को बोइंग द्वारा अमेरिका में ट्रेन किया गया था। सभी 6 अपाचे की डिलीवरी अप्रैल 2024 तक पूरी हो जाएगी। इन्हें रेगिस्तानी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जबकि 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जिसमें सेना के लिए 90 और 66 भारतीय वायुसेना के लिए, इस पर अनुबंध होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित लागत 45,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। DAC अगले हफ्ते इस पर फैसला ले सकती है। बता दें, इससे पहले 2020 में भारतीय सेना ने $930 मिलियन की लागत से 6 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अमेरिका की विमानन प्रमुख बोइंग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं भारतीय वायुसेना पहले से ही 22 AH-64E अपाचे का संचालन करती है, जिन्हें 2015 में लगभग $1.4 बिलियन के अनुबंध के तहत खरीदा गया था। वहीं इसकी खूबी को देखा जाए तो AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को पहले AH-64D ब्लॉक 3 बुलाया जाता था। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी है, जॉइंट टैक्टिकल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ज्यादा ताकतवर इंजन लगता है। इसके अलावा फेज गियर ट्रांसमिशन से लैस किया गया है। इसकी गति, क्लाइम रेट और पेलोड क्षमता को भी बढ़ाया गया है। इसमें संचार के लिए CDL और KU फ्रीक्वेंसी बैंड की सुविधा है। AH-64E हेलीकॉप्टर को उड़ाकर उसके साथ ड्रोन्स भी उड़ाए जा सकते हैं, यानी एक हेलीकॉप्टर से कई ड्रोन्स को नियंत्रित करके उनसे दुश्मन के इलाके को तबाह किया जा सकता है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 58.2 फीट और ऊंचाई 12.8 फीट है। बिना किसी हथियार या ईंधन के इसका वजन 5,165 किलोग्राम होता है। उड़ान के समय ये 10,433 किलोग्राम वजन उठाकर ले जा सकता है। इन हेलीकॉप्टर्स में 70 mm के हाइड्रा 70 CRV APKWS या हवा से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट लगाए जा सकते हैं। साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर, AGM-65 मैवरिक और स्पाइक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इन हेलीकॉप्टर्स का उपयोग पनामा, फॉरेस्ट की खाड़ी, कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, गाजा पट्टी समेत कई युद्ध में हो चुका है। अब तक दुनिया में 2400 अपाचे हेलीकॉप्टर्स बनाए जा चुके हैं। दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश इस हेलीकॉप्टर्स का उपयोग कर रहे हैं। भारत भी इन्हीं देशों में आता है। इस हेलीकॉप्टर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।